नमस्कार दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। इससे पहले मैंने आपसे बात किया है क्रिप्स मिशन के बारे में, तो अभी तक अगर आपने क्रिप्स मिशन वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाकर के उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आज जो हम बात करें वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल है, जो घंटी है, उसे याद से दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन पर आए और इसे विस्तार से पढ़ें, उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है उसे एक बार हम दोहराना चाहेंगे। तो हमने देखा था कि अक्टूबर 1939 में बिना भारतीय जनमत की इच्छा के लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वार का हिस्सा है, यानी भारत भी जर्मनी के साथ युद्धरत है। कांग्रेस ने वायसराय के इस फैसले का मुखर विरोध किया और उसकी जो प्रांतीय सरकारें थी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ अधिवेशन में सरकार से यह मांग की कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में जाकर के भारतीयों का सहयोग विश्व युद्ध में प्राप्त हो, इस इच्छा से एक झांसा अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसमें यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा होगा। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसको विस्तारित किया जाएगा, उसमें अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया और गांधी जी के नेतृत्व में एक सीमित स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह सीमित स्तर पर क्यों प्रारंभ किया गया, इसके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में विस्तार से बताया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। इस दौरान, यानी हम बात कर रहे हैं 1942 की, जापान बहुत मजबूत तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया में आगे बढ़ रहा था और लगभग प्रत्येक मोर्चे पर उसने अंग्रेजी फौजों को धूल चटा दी थी और लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का अधिकार हो चुका था। दूसरी ओर हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने लगातार मित्र राष्ट्रों को परेशान किया हुआ था, और ऐसे समय में, इस क्रूशियल समय में, मित्र राष्ट्रों को, यानी रूस को, अमेरिका को, चीन को, यह बात समझ आ रही थी कि इस समय भारतीयों का सहयोग मित्र राष्ट्रों को मिलना ही चाहिए और इसलिए उनसे बातचीत की जानी चाहिए। अगर उन्हें स्वतंत्रता देनी पड़े तो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, या कुछ भी करना हो, लेकिन उनका सहयोग किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट प्राप्त करे। और इस दबाव में स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया, जिसकी सिफारिशों को बड़े विस्तार से मैंने आपको बताया था। कांग्रेस को क्या क्या
परेशानी थी उन प्रस्तावों से, क्या क्या आपत्ति थी, वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो कुल मिला जुला करके ये जो क्रिप्स मिशन आया था ये भी असफल हो गया। तो इतना हमने बैकग्राउंड तैयार कर दिया। अब आते हैं इस लेक्चर पर। तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने लिखा है कि संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया। अभी तक हम पीछे बहुत सी बातें करते हुए आ रहे हैं नेताजी वाले लेक्चर में। जो लोग सीरियस हैं, जो देखते होंगे सब लेक्चर, उनको पता है। तो संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कारण था वो था क्रिप्स मिशन की असफलता। तो संवैधानिक गतिरोधों को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने इस बात को सबके बीच उजागर कर दिया कि अंग्रेजों का जो रुख है, ब्रिटेन का जो रुख है, वो अपरिवर्तित है। और अब बातचीत बातचीत करके अंग्रेजों से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और क्रिप्स में ये डोमिनियन हमको दे रहे हैं, अगस्त आफर में भी ये डोमिनियन दे रहे हैं। तो अब ये बात सबको समझ में आ गई कि भारतीयों की अधिक समय तक छुपी का अर्थ होगा कि भारतीय अपना भविष्य ब्रिटेन के हाथों में सौंप दें। तो अब एक जन संघर्ष होना चाहिए। अब ऐसा न हो कि उसी तरह का हो जाए जो है स्थिति जो कि प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिला था। बहुत से वादा किए गए थे लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। तो क्रिप्स मिशन की असफलता पहला कारण। युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई, तो युद्ध होता है महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई तो बढ़ती ही बढ़ती है। एक चीज और होता है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जो चैन होती है वो भी बिगड़ जाती है। तो यहां जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी, चावल नमक, उनकी कीमतें बढ़ गई और इससे जनता भड़क गई। और जनता भड़क गई तो कांग्रेस को लगा कि यही उचित समय है इनके क्रोध को राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित करने का। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय, तो ये जो अजेयता का सिद्धांत था वो टूट रहा था। ब्रिटेन पराजित हो रहा था दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय से भारतीयों के अंदर संघर्ष करने की एक नई भावना आई, भाई अब ये पराजित हो रहा है। और इन सब से जो हुआ वो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जनता में अविश्वास। कहा जाने लगा कि लोग बैंकों से अपना पैसा निकालने लगे। लोगों को ये लगने लगा कि जापान तो आ गया ना बर्मा तक, रंगून तक, तो जापान यहां पर कब्जा कर लेगा और वहां से जो शरणार्थी मलाया वगैरह से भारत में आ रहे थे तो वो बता भी रहे थे कि अरे ये सब हार जा रहे हैं, ये कमजोर हो चुके हैं। तो एक अविश्वास ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति लोगों के मन में आया। और इन सबने मिल करके जन संघर्ष का एक वातावरण तैयार कर दिया। तो अब हम घटनाक्रम देखेंगे। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया। तो गांधी जी ने कहा कि संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अंग्रेज भारत से वापस चले जाए। यहीं पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो यहीं पर गांधी जी ने कहा था वर्धा में ही कि मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ी संस्था खड़ा कर दूंगा। तो यहीं पर हालांकि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे हम भारत छोड़ो कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को
ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और यहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव एक प्रकार से हम कहें तो अनुमोदित हो गया। और यहां पर जो है ये इस प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश शासन को हम अभी से समाप्त मान लें, और दूसरा कि गांधी जी को इस संघर्ष का नेता घोषित किया गया इस प्रस्ताव में। ठीक है, तो ग्वालियर टैंक मैदान में बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव अनुमोदित। अभी इस पॉइंट को मैंने यहां लिखा है, इस पर मैं आता हूं। तो यहां पर 70 मिनट का जबरदस्त भाषण गांधी जी ने दिया और उसमें विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने निर्देश दिया, यानी एक प्रकार से हम कहें तो यहां हम लिख सकते हैं आंदोलन की रूपरेखा जो हमने लिखा है, विभिन्न वर्गों को गांधी जी का निर्देश। अपने भाषण में गांधी जी ने विभिन्न वर्गों को क्या निर्देश दिया, आंदोलन की क्या रूपरेखा बताई, उसको समझ लीजिए। गांधी जी ने कर्मचारियों से कहा, यानी सरकारी कर्मचारी, यानी अंग्रेजी सरकार के कर्मचारी, सेवा से त्याग पत्र ना दें। देखिए मैं कहता हूं ना, गांधी मास्टर पॉलिटिशियन, तो आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बात तो जानते ही होंगे कि चाहे कुछ हो जाए, सरकारी सेवक जिस प्रकार का वो है ना कि उत्तरदायित्व विहीन शासन का अधिकार, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो गांधी जी ने कहा कि भैया कम ही कम की बात करो, सेवा से त्याग पत्र न दें, सरकारी कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र न दें किंतु कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करें। तो सेवा में तो बने रहें लेकिन कांग्रेस से अपनी निष्ठा व्यक्त करें। सैनिक, अब यहां यह समझिएगा, यही दो वर्ग है जिसके दम पर ब्रिटिश राज भारत में था। तो पहले तो सरकारी कर्मचारियों से क्या कहा गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद क्या बोला था अदालत में, मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। बहुत से कर्मचारियों को यह लगता है कि वो दुनिया के सबसे अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो सेवा से त्याग पत्र न दें किंतु कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करें। सैनिक, देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तो इतना करें सैनिक कि भैया देशवासियों पर, अपने भाइयों पर, अपने बंधुओं पर गोली न चलाएं। अंग्रेज कहे कि गोली चला दो, ये दंगाई है, कहे हम गोली नहीं चलाएंगे, ये हमारे भाई हैं। तो ये चीज, हालांकि ये हुआ नहीं। छात्र, छात्रों को क्या निर्देश कि आजादी तक लड़ने का साहस हो तब पढ़ाई छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं कि पढ़ाई छोड़ करके और फिर भारत छोड़ो आंदोलन और इसी में गांधी जी अभी कहेंगे डू आर डाई, करो या मरो। तो करो और मरो की स्थिति हो तब पढ़ाई छोड़ो, कि भाई पढ़ाई छोड़ दिया तभी पकड़ूंगा जब भारत आजाद हो जाएगा। तो आजादी, यही भारत की आजादी की बात है, आजादी तक लड़ने का साहस हो तो पढ़ाई छोड़े, वरना पढ़ाई करते रहें और आंदोलन में दे। राजा महाराजा क्या करें, देशी रियासतों की बात हो रही है, जनता को सहयोग करें और दूसरा करें अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकारें। अब राजशाही अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। और तीसरा क्या करें, तो अपने को भी भारत का अंग घोषित करें। तो ये बात हुई। अब यहीं पर गांधी जी ने कहा सबसे जो है कि मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूं, छोटा सा मंत्र है, इसको अपने हृदय में बसा लीजिए, इसे अपनी सांसों में बसा लीजिए। और वो मंत्र है, करो या मरो। तो भारत को या तो आजाद करवाएंगे या अपना बलिदान करेंगे, बस दो ही रास्ता, करो या मरो। तो अब इतनी बात गांधी जी ने की, ये बैठक हुई, निर्णय हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी वो पूरी तरीके से तैयार थी
एक तो वो विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, अब अंदर से इस तरह का गतिरोध, भारत के अंदर से गतिरोध हो तो दो मोर्चों पर फंस जाएगी सरकार। तो सरकार ने तय किया था कि एकदम कुचल देना है, और इसलिए ऑपरेशन जीरो आवर चला करके, तो कहे तो 8 अगस्त की रात्रि से लेकर के 9 अगस्त की सुबह तक, जब जिस दिन से आंदोलन शुरू होना था, लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, गांधी जी स्वयं गिरफ्तार कर लिए गए, और गांधी जी को पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। तो गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, यानी आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। आंदोलन का कोई नेतृत्व बड़े लेवल पर करने वाला नहीं था, लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार। तो अब हम देखेंगे आंदोलन का प्रसार। अब जो मैंने लिखा, स्वतः स्फूर्त जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया, तो अब एक चीज ये समझ लीजिए कि जो पिछले आंदोलन थे, हालांकि जो गांधीवादी आंदोलन रहे उसमें केंद्रीय कार्यकारिणी एक रूपरेखा तय कर देती थी और नीचे के लोग संघर्ष करते थे, ये तो था ही, लेकिन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विपरीत ये देखें तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि स्वतः स्फूर्त था, कोई नेता नहीं था, ये स्वतः स्फूर्त जनता से ही उठ खड़ा हुआ और लोकल लेवल पर जो है नेता उठ उठ करके आने लगे, तो स्वतः स्फूर्त था। स्वतः स्फूर्त जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। तो एक प्रकार से जो है, जो सरकारी भवन, अब छोटे स्तरों पर कहे तो थाने होते थे, रेलवे स्टेशन होते थे, तो वहां पर ये कार्य जो है होता था। 14 अगस्त 1942 को जिस जिले का मैं निवासी हूं वहां एक धानापुर थाना उस समय था, आज भी है, तो उस पर जो है डॉक्टर कामता प्रसाद विद्यार्थी, ऐसे कह रहा हूं, लोकल लीडर उभरे हमारे यहां, डॉक्टर कामता प्रसाद विद्यार्थी थे, गांधीवादी डॉक्टर कामता प्रसाद विद्यार्थी। तो ये लोग भी अब कहे कि गांधी जी ने तो घोषणा कर दी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अब जो है चलिए थाना पर, और थाना पर वो गए तो वहां पर मुसलमान दरोगा था, इंस्पेक्टर था। अब आप समझिए, लोकल लेवल पर थोड़े अंग्रेज होता था, थाने पर भी अंग्रेज नहीं होता था, जिले में अंग्रेज अधिकारी होते थे, उससे नीचे अंग्रेज अधिकारी होता ही नहीं था। और अब तो स्थिति यह हो गई थी कि जिले लेवल पर एसपी वगैरह भी भारतीय होने लगे थे, डीएम भी भारतीय होने लगा था, तो भारतीय ही थे, मुसलमान थे वो, और 3 उनके सिपाही थे। इन्होंने कहा, सैकड़ों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, कि भैया यूनियन जैक को हटाओ और तिरंगा लहराना है, एकदम भारत आजाद हो गए। गांधी जी ने कह दिया करो या मरो, तो वो पूरा अड़ गया। मैं बताना चाहता हूं ये सिचुएशन, वो पूरा अड़ गया, कह रहे कैसे होगा, वो भी भारतीय अड़ गया। और जब इन्होंने कहा कि देखो करो या मरो, हम जो है तिरंगा फहराएंगे ही फहराएंगे चाहे जो हो जाए, तो उसने कहा कि नहीं। और जब कामता प्रसाद विद्यार्थी तिरंगा फहराने के लिए चले, तुरंत जो है उनके ऊपर गोली चलाई गई, तो एक व्यक्ति जो है सामने आ गए, उनको गोली लगी, वो जो है धाराशाही हुए, दूसरी गोली चली, दूसरे लोग धाराशाही हुए, तीसरी गोली चली, तीसरे लोग जो है धाराशाही हुए, डॉक्टर कामता प्रसाद विद्यार्थी सुरक्षित बचे रहे। हालांकि अब इतने से जो है जनता भड़क गई, और उसने उन 3 सिपाही प्लस जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको जो है पकड़ा और खूब जो है उनको पीटा और उनकी जनता ने हत्या कर दी। तो उसमें 3 लोग शहीद हुए थे जो है। अब उस तरह से देखें तो सारे लोग भारतीय पक्ष के ही थे, वो 3 सिपाही भी और वो इंस्पेक्टर भी और ये आंदोलनकारी भी, 3 लोग जो है, तो उसमें एक शहीद हीरा सिंह जी थे जो कि मेरे रिश्तेदार हैं, तो उसमें वो जो है शहीद हुए थे।
तीन लोगों में। तो कहने का मतलब है कि लोकल लेवल पर उसको जैसे मैंने समझा और लोग बताते हैं तो उस लेवल पर इस चीज को पढ़ते हुए समझ में आता है। तो आप लोग भी पता करिएगा कि आप लोगों के लेवल पर क्या क्या हुआ, ये सब पता करनी चाहिए चीजें। तो सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहरा दिया गया, अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गई। तो यहां दानापुर पर तिरंगा फहराने के बाद जो है सकलडीहा रेलवे स्टेशन वहां पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। तो यहां का मुझे पता, तो रेल की पटरियां उखाड़ी गई, तार व टेलीफोन की लाइनें काटी गई, थानों पर हमला किया गया, छात्रों ने हड़ताल किया, अनेक जगहों पर मजदूरों ने हड़तालें कर दी। तो जो बड़े बड़े नगर थे वहां पर मजदूरों ने काम रोको अभियान चलाया, हड़ताल कर दी। तो इतना तो आपको दिख रहा होगा। अब जो नहीं दिख रहा है वो मैं पॉइंट बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत रहकर कार्य किया। तो ये लोग जो है अंग्रेजी सरकार के आंख में धूल झोंक करके काम करते रहे। जिन लोगों का मैंने नाम लिया, ऐसे बहुत लोग थे जो महत्वपूर्ण नाम हैं, उनको मैंने यहां पर लिखा है। तो ये लोग जेल में नहीं गए, जयप्रकाश नारायण जी तो जेल में गए भी थे, लेकिन इन्होंने जेल की दीवारों को फांद करके फिर ये बाहर आ गए थे। तो जेल में जाने के बाद तो ये लोग जो है भूमिगत रह करके आंदोलन को लगातार जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। क्यों? राष्ट्रीय नेता तो सब जेल में थे, तो यही लोग जो है ऐसे कर रहे थे, तो भूमिगत करके। और इस दौरान एक बात और समझ लीजिए कि इस दौरान जनता ने खूब सहयोग किया, बहुत व्यापक स्तर पर इन आंदोलनकारियों को सहयोग दिया गया जनता के द्वारा। और इसीलिए कहा गया कि ये जो भूमिगत शब्द मैंने लिखा है, इसको कहा गया कि भूमिगत की परिभाषा इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरा देश ही इसमें समाहित हो जाए, यानी सब जगह से समर्थन था और हर जगह इनके लिए भूमिगत थी, ये कहीं भी छुप सकते थे, सभी घरों के दरवाजे खुले थे। इस तरह का अभूतपूर्व उत्साह जो है पहले के आंदोलनों में नहीं देखा गया, और इसमें भारी पैमाने पर हिंसा हुई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो गांधी जी पर अंग्रेज लगातार दबाव डाल रहे थे, लगातार दबाव डाल रहे थे कि देखिए हिंसा हो रही, हिंसा हो रही, हिंसा हो रही, आप हिंसा करो। कि तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि गांधी मास्टर पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने कहा कि ये हिंसा तुम्हारे कारण हो रही है तो मैं निंदा नहीं करूंगा हिंसा की। उससे पहले चौरी चौरा की एक घटना से असहयोग आंदोलन पूरा गांधी जी ने वापस खींच लिया था, और ये पूरा भारत छोड़ो आंदोलन हिंसा 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 ही थी, बहुत हिंसा हुई। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं जो है हिंसक आंदोलनकारियों की निंदा नहीं करूंगा, इसका कारण ये है कि ये तो आप ही का कार्य है जिसकी जो है जिसका फल आपको मिल रहा है, इसमें क्या उनका दोष। तो इस तरह से इनकी स्ट्रेटजी, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने क्यों आंदोलन वापस ले लिया, ये सब मैंने अपने फेसबुक पेज द स्टडी पर लिखा है, तो वहीं से बात आ गई तो मैंने बता दिया। तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत रहकर कार्य किया। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, उसका भी उत्तर इसमें है कि भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो, भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो का भी संचालन किया, भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो का भी संचालन किया, जिसे बंबई में उषा मेहता ने प्रारंभ किया, जिसे बंबई में उषा मेहता ने प्रारंभ किया। ये दो नंबर का प्रश्न सीधे सीधे पूछता है कई बार, और इस पर जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बराबर प्रसारण करते रहे। तो ये हमने देख लिया कि आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से था। इस आंदोलन में एक और नई चीज देखने को मिली, और वो थी कि कई जगहों पर समानांतर सरकारें बन गई। तो ब्रिटिश सरकार के पैरेलल
कई अन्य सरकारें बन गई, तो समानांतर सरकारें। इस आंदोलन के दौरान देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, तो पहली सरकार बनी बलिया में, बागी बलिया इसको कहते हैं, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, बागी बलिया में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में, जो कि अपने को गांधीवादी कहते थे, और अगस्त 1942 में ही यह सरकार बन गई। हालांकि ये सरकार जो है कहा जाता है कि एक सप्ताह या दो सप्ताह तक चली, तो बड़ी अल्पकालिक रही, लेकिन सरकार बन गई। पूरा जो पावर था डीएम का वो आ गया आंदोलनकारियों के हाथ में, और इन्होंने पावर में आते ही जितने कैदी थे कांग्रेसी नेता उनको इन्होंने छोड़ दिया। एक दूसरी सरकार बनी मिदनापुर के तामलुक जगह पर बंगाल में, और यह सरकार कहा जाता है कि दिसंबर 1942 से सितंबर 1943 तक चली, जिसका नाम था जातीय सरकार, जातीय सरकार। तीसरी सरकार बनी बंबई के सतारा में, और यह सरकार सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी। यह बनी 1943 के मध्य में और यह चली 1945 तक। इसके नेता थे वाई वी चौहान और नाना पाटिल। इस सरकार का नाम था प्रति सरकार, प्रति सरकार, ठीक है। तो अब इतना हमने पढ़ लिया, प्रसार देख लिया, समानांतर सरकारों को हमने देख लिया, तो अब हम ये समझना चाहेंगे कि विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो अगर आपको लिखना होगा जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, तो आप जो है इसको नीचे कर दीजिएगा और इसी के बीच में एक टाइटल दीजिएगा, विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया। तो विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया क्या थी? तो साम्यवादी दलों ने इस आंदोलन की आलोचना की, जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने इस आंदोलन की आलोचना की, और उसके पीछे जो आधार था वो ये था कि मित्र देशों की तरफ से लड़ रहा था रूस, और इसलिए ब्रिटेन मित्र देश था, तो उसके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई उनको पसंद नहीं है। हालांकि केंद्रीय रूप से चाहे कम्युनिस्ट कुछ भी करें, आंदोलन के दौरान जो है जो निचले स्तर के साम्यवादी थे उनको तो समझ में आया ही कि विचारधारा बाद में, देश पहले। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन की आलोचना की और उसने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं, वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। तो मुस्लिम लीग को लगता था कि इसी वातावरण में सारी चीजें चलेंगी, तो पाकिस्तान की उसकी बात जो है शायद पीछे रह जाए। तो अभी देखिए, मुस्लिम लीग को मैं इतना पढ़ा चुका आपको राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन ठीक से पिक्चर में लेकर के मैं नहीं आया हूं, तो कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ी समझ में कमी हो क्या रे। तो अब बस आगे ही जाकर के मैं पूरा जो है पाकिस्तान निर्माण होने की कहानी आपको बताऊंगा, पूरा एकदम चार्ट से बात करेंगे, एफसीएस फार्मूले के साथ बात करेंगे, फैक्ट कॉन्सेप्ट और आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग से सब बताऊंगा कि कहां से कैसे हुआ, और एक बार जो है वो लेक्चर हो जाएगा तो सब कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो मुस्लिम लीग ने यह कहा कि भाई आइए, अंबेडकर जी ने इसे पागलपन भरा काम कहा कि ये तो पागलपन किया जा रहा है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। हिंदू महासभा प्लस अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की। तो ये लोग जो विभिन्न दल थे उनकी प्रतिक्रिया रही। अब हम देखेंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। तो यहां तो हमने चूंकि घटनाक्रम दिखाया था, तो 9 अगस्त 1942 मैं यही बता दिया क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती। तो सरकार की प्रतिक्रिया जो रही वो रही पूर्ण रूपेण कुचलने की नीति। एकदम सरकार ने जो है दमनात्मक कार्य प्रारंभ किया। तो क्या किया कि पूरी तरह प्रेस का गला घोंट दिया गया, उसकी आवाज दबा दी गई, आंदोलनकारियों पर मशीन गनों से गोलियां चलाई गई और हवा में बम बरसाए गए। तो इस लेवल पर जो है पुलिस और खुफिया पुलिस का राज चारों तरफ था, तो खुफिया पुलिस जो है एकदम चारों तरफ फैल गई और क्या क्या करना उस सारी चीजें।
पुलिस और सेना की गोलाबारी में लगभग 10,000 लोग मारे गए, तो इतना किसी आंदोलन में नहीं मारे गए। निश्चित रूप से यह संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन लोगों ने बड़ा जबरदस्त साहस दिखाया। हालांकि इन्होंने दमन जो है बहुत जबरदस्त तरीके से किया, जो मैं आपको घटना बता रहा था धानापुर की, उसमें करीब 70-72 लोगों पर मुकदमा चला। ये स्थिति थी। हालांकि तुरंत भारत आजाद हो गया तो वो लोग छूट गए। तो अब आंदोलन का हम मूल्यांकन करेंगे कि इस आंदोलन ने क्या पाया। एक तो हो गया आंदोलन का मूल्यांकन, और एक अपने स्टाइल में जैसे हम चीजों को लिखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या पाया, तो क्या पाया उसको देखिए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि भैया स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है चला ना, करो या मरो के लिए चला, लेकिन भारत तो आजाद हुआ नहीं, स्वतंत्रता तो मिली नहीं, अंग्रेज तो भारत छोड़ करके गए नहीं, ये तो नहीं हुआ। किंतु इस आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की जड़ें अब बहुत गहरे तक प्रवेश कर गई हैं। तो धीरे 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 जो राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी वो अब बहुत गहरे तक भारतीयों के अंदर घुस चुकी है। इस आंदोलन के प्रसार में यह देखने को मिला, और इसलिए यह बात एकदम ब्रिटिशों को स्पष्ट हो गई कि ना कि बिना भारतीयों की इच्छा के अब भारतीयों पर शासन करना संभव नहीं है। तो भारतीयों की इच्छा के विपरीत भारतीयों पर शासन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस आंदोलन ने कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया। तो कई देशों की संवेदना भारतीय जनमानस के साथ दिखी, जिसमें से चीन के मार्शल चियान काई सेक ने कहा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यही है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। तो चियान काई सेक की इस बात का तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने समर्थन किया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें भारत छोड़ो आंदोलन ने पाई। अब इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन एक संघर्ष का और बिंदु दिखेगा जो कि नेताजी वाले लेक्चर से कनेक्ट होगा, तो उसको हम देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।